नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त प्रजापति ठाकुर मेरे अपने चैनल प्रेरणात्मक सृजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, पिछले कई साल से हमारे देश में अंग्रेजी माध्यम की पाठशाला बड़ी भारी मात्रा में बढ़ रही है। उसके पीछे वजह यह कि हर माँ बाप यह चाहते हैं कि उनकी संतान अंग्रेजी माध्यम की पाठशाला में पढ़े लिखे और अच्छे काबिलियत बने। दोस्तों, माना अंग्रेजी भाषा विश्व स्तर की भाषा है। अच्छी सफल कारकिर्दगी के लिए, नौकरी व्यापार धंधे के लिए अंग्रेजी भाषा जरूरी है, मगर साथ साथ हमें हमारी मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। कई महान शिक्षक विदों ने यह कहा है कि किसी भी बच्चे का प्राथमिक शिक्षण उसकी मातृभाषा में दिया जाए तो वो अच्छी तरह से सीख सकता है, समझ सकता है और अपने मस्तिष्क का अच्छे से अच्छा विकास कर सकता है। कई लोग अंग्रेजी भाषा में बोलने में अपना गौरव अनुभवते हैं और मातृभाषा में बात करने में छोटापन महसूस करते हैं। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे जीवन में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव नहीं होना चाहिए और साथ साथ उसका अभाव भी नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा हमको सीखनी है, जरूरी है। दोस्तों, आने वाले दिनों में 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन के रूप में मनाया जाता है। मैं गुजराती, मेरी मातृभाषा गुजराती और मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है। गुजराती और हिंदी भाषा की वर्णमाला में काफी समन्वय है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी वर्णमाला में कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कितने सूझबूझ से रची गई है। तो आप ये वीडियो को देखिए और अपनी मातृभाषा का गर्व अनुभव कीजिए। ख, ग, अंग, इन 5 मूलाक्षर के समूह को कंठव्य कहा गया है, क्योंकि इन 5 का उच्चारण करते वक्त ध्वनि हमारे कंठ से निकलता है, इसलिए उनको कंठव्य कहा गया है। ज, छ, ज, ज, ञ, इन 5 मूलाक्षर के समूह को तालव्य कहा गया है, क्योंकि उनका उच्चारण करते वक्त हमारी जीभ हमारे तालों को स्पर्श करते हैं, इसलिए उनको तालव्य कहा गया है। ट, ठ, ड, ढ, ण, इन 5 मूलाक्षर के समूह को मूर्धन्य कहा गया है, क्योंकि उनका उच्चारण करते वक्त हमारी जीभ मूर्धा की ओर मुड़ती है। हमारे दांतों और तालू के बीच का जो हिस्सा होता है उसको मूर्धा कहा गया है। ट, थ, द, घ, ण, इन 5 मूलाक्षर के समूह को दंतव्य कहा गया है, क्योंकि उनका उच्चारण करते वक्त हमारी जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए उनको दंतव्य कहा गया है। अ, फ, ब, भ, म, इन 5 मूलाक्षर के समूह को औष्ठव्य कहा गया है, क्योंकि उनका उच्चारण करते वक्त हमारे दोनों होठों का मिलन होता है, इसलिए उनको औष्ठव्य कहा गया है। मित्रों, हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का महत्व दर्शाता हुआ ये वीडियो आप पसंद कीजिए, जितना हो सके उसका प्रसारण कीजिए। आपको जितनी भाषा सीखनी हो सीखो, मगर अपनी मातृभाषा को कभी छोटी मत समझो। मुझे गर्व है मैं गुजराती हूँ, मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।